जैसे उत्तर प्रदेश लखनऊ की मेट्रो पे कब्जा कर लिया, जिस तरह से एक्सप्रेसवे पे कब्जा कर लिया, वैसे एक सेकंड लगेगा एमवाई को, मोदी एंड योगी, एमवाई जी, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह साहब देश में जातीय जनगणना की परमिशन देंगे? मैं खाली सीधा सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, हाँ या ना? मैं उत्तर दूंगा। इनके संविधान में केवल मुस्लिम एकता की बात क्यों है? क्या ये संविधान विपरीत नहीं? और उसके बाद मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। गौरव जी को पहले बता दिया होता आपने कि आज जातिगत जनगणना पे बहस है, एमआईएम के संविधान पे नहीं है। हाय एवरीवन, आप सब लोगों का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज आसिम वकार ने हंसते हंसते गौरव भाटिया की ले ली, क्योंकि जब आसिम वकार ने जातीय जनगणना को लेकर गौरव भाटिया से सवाल किया तो वो इधर उधर भागने लगा, लेकिन फिर भी आसिम वकार गौरव भाटिया से सवाल करते रहे। और वीडियो के आखिर में विवेक श्रीवास्तव ने गौरव भाटिया को आईना दिखाया, तो बहुत मजा आने वाला है, इसलिए पूरा वीडियो देखिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं, आइए देखते हैं, मजा आएगा। आसिम वकार, मैं आपके पास आता हूं। आज आप खुश नजर आ रहे हैं, आपको लग रहा है जो हम कह रहे थे खुद आज अखिलेश जी कह रहे हैं, तो आपकी मुस्कुराहट कई सारे जवाब दे रही है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो सर, हम तो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं जी, हमारा एक फार्मूला है कि हंसते रहिए और जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। जो घट गया है उसको भूल जाइए, जो होने वाला है उसकी तैयारी कीजिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये अमित शाह साहब ने कहा कि हम तो जातिगत जनगणना कराना चाह रहे थे, तो खाली बिहार में थोड़ी ना, आपकी सरकार तो बहुत सी स्टेट में है जी, लगभग 12-13 स्टेट में है, आप कराइए वहां, कौन मना कर रहा है आपको? बात तो सही है कि खाली जातिगत जनगणना बिहार में आपको क्यों याद आ रही है, मध्य प्रदेश में क्यों याद नहीं आ रही है, बाकी और जगह पे याद क्यों नहीं आ रही है, जहां जहां आपकी सरकार है वहां याद क्यों नहीं आ रही है? जी जी सर, अमित शाह साहब देश के गृह मंत्री हैं, उनकी इस बयान से कि जातिगत जनगणना कराना चाह रहे हैं, उससे एक बहुत बड़ा सा सहूलत मिली आप लोगों को जी, मीडिया के लोगों को, कि अभी तक आप लोग विरोध कर रहे थे, अब आप लोग आकर लाइन में खड़े हो गए। इनके लिए एमवाई राजनीति क्या है? मुसलमानों की और यादवों की। अच्छा, और नरेंद्र मोदी जी ने एक नई परिभाषा जड़ी है, वो क्या है? वो परिभाषा है म से महिला और वाय से यूथ, महिला और यूथ, युवाओं को सशक्तिकरण करना, उनके सम्मान की रक्षा करना, उनको आगे बढ़ाना और मुख्य धारा से जोड़ना। और लालू प्रसाद यादव का परिवार हो या आरएलडी का परिवार हो या समाजवादी पार्टी का परिवार हो या एआईएमआईएम का परिवार हो, मैं तो आपके चैनल पे चुनौती दे रहा हूं, अपने परिवार के बाहर के सदस्य को जवाब अध्यक्ष नहीं बना जी, पाए जी। ये लोग जातिगत जनगणना कराएंगे, ये लोग ओबीसी को आगे बढ़ाएंगे। अरे आप बताइए एआईएमआईएम में कौन है भैया परिवार का? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। देखिए एमवाई दिख गया इनको। सर, कितनी देर लगती है भारतीय जनता पार्टी को दूसरों के नामों पर और दूसरों के कामों पे कब्जा करने में? जैसे उत्तर प्रदेश लखनऊ की मेट्रो पे कब्जा कर लिया, जिस तरह से एक्सप्रेसवे पे कब्जा कर लिया, वैसे एक सेकंड लगेगा एमवाई को, मोदी एंड योगी, एमवाई जी। सर, बीजेपी के लिए कितनी बड़ी बात है, एक लाइन में कब्जा करते हैं धड़ाम से सब कुछ इनका। मैंने देखिए बहुत छोटी सी बात कही थी कि भारत सरकार चाहे तो जातिगत जनगणना करा सकती है, और बीजेपी की जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो चाहे तो जातिगत सर्वे करा सकती हैं। खाली बिहार को क्यों रह रहे हैं आप? यूपी में क्यों नहीं करा रहे? मध्य प्रदेश में क्यों नहीं करा रहे? सही पकड़े हैं। अगर आप जाति के खिलाफ हैं और आपकी नजर में सब हिंदू हैं, तो पल्लवी पटेल को आपने जाति के आधार पर बनाया है, रामदास अठावले को आपने जाति के आधार पर बनाया है, सर ओम प्रकाश राजभर को आप जाति के आधार पर लिए गए हैं, संजय निषाद को जाति के आधार पर लिए हैं जी, दारा सिंह चौहान को जाति के आधार पर आप लेकर आए हैं। अच्छा, मैं और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जनाब योगी आदित्यनाथ जी जाति के आधार पर मुख्यमंत्री बने हुए हैं। योगी आदित्यनाथ की कोई जाति नहीं, योगी आदित्यनाथ एक महंत है, एक महंत है,
और जब व्यक्ति महंत हो जाता है तो उसकी जात नहीं रहती, उसकी जाति नहीं रहती। सर, अक्सर कहा जाता है जात तक पूछो साधो। अरे चाटना है चाटिए, जितना चाटना है चाट चाट के लाल कर दीजिए। योगी जी खुश हो गए होंगे आपकी बात सुनकर कि कोई तो है उनकी पैरवी करने वाला जो उनकी बात कर रहा है बिना बिना मतलब अपॉइंट किए हुए। मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर जातीय समीकरण खत्म कर दिया जाएगा तो हिंदुस्तान से खूबसूरती खत्म होगी और एक जाति विशेष का सब कुर्सियों पर, सारी कुर्सियों पर कब्जा हो जाएगा जी। अगर सारी कुर्सियों पर एक जाति को बिठाना चाहते हैं तो आप अमित शाह साहब की बात मान लीजिए, वरना अगर आप अपनी अपनी जवाब 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 गौरव भाटिया जवाब घरों की गौरव भाटिया ओके ओके गौरव भाटिया रिप्लाई गौरव भाटिया इलाकों की अगर आप तरक्की चाहते हैं तो जातीय जनगणना होनी चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। हमारी जो सरकार है केंद्र में 29 मंत्री ओबीसी वर्ग से आते हैं और ये भी सच्चाई है कि ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा किसी ने दिया तो नरेंद्र मोदी जी ने, और 29% जो सांसद हैं वो भी ओबीसी हैं। लेकिन आपको जो बात मैं बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, हाथ में AIMIM का संविधान है मेरे, ये मेरे हाथ में है। अमी जी नाम में मुस्लिमीन है, क्यों नहीं नाम में पिछड़ा वर्ग भी रख देते हैं अगर इतने बड़े हितैषी। और दूसरा, इस संविधान में पता है क्या लिखा है, एक लाइन सारे दर्शकों को पढ़नी चाहिए, कैसी कपटी पार्टी है इनकी। इन्होंने लिखा है कि हम लोग अग्रसर रहेंगे कि मुसलमानों में एकता बढ़े, ये नहीं लिखा कि भारतीयों में एकता बढ़े। इनका संविधान काफी पढ़ने गौरव जी आप, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ये तो कुरान पढ़ते हैं, मैं संविधान पढ़ता हूँ जी। मैं कहता हूँ भारत का संविधान पढ़ो, सबका संविधान पढ़ो, ये लोग पढ़ते हैं सऊदी अरेबिया का, या ये पढ़ेंगे कुरान, अरे हम पढ़ेंगे संविधान, यही तो फर्क है। अभी पता चलेगा। देखिए मैंने 3 बार एक ही बात पूछी कि भारत की सरकार अगर जातिगत जनगणना के समर्थन में है तो आदेश पारित कर दे। हमने भी तो कुछ संविधान दिखा दिया, खानदान दिखा दिया, फैमिली दिखा दी, सऊदी अरब ले आए अपने संविधान। इस बात का जवाब नहीं, हिम्मत हे हिम्मत नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या प्रधानमंत्री मोदी जी और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह साहब देश में जातीय जनगणना की परमिशन देंगे? मैं खाली सीधा सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, हाँ या ना। आप बोल। मैं उत्तर दूंगा, पहले मेरे 10 सेकंड में 5 सेकंड दीजिए। इनके संविधान में केवल मुस्लिम एकता की बात क्यों है, क्या ये संविधान विपरीत नहीं? और उसके बाद मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। कोई सेंस है इस बात अरे सर, गौरव जी को पहले बता दिया होता आपने कि आज जातिगत जनगणना पे बहस है, MIM के संविधान पे नहीं है। अब ऐसे आप प्रवक्ता जी हमारे माशाल्लाह तेज तर्रार प्रवक्ता है, मेरे बढ़िया प्रवक्ता है और जवाब भी दे पा रहे बेचारे। अरे मैं दूंगा, लेकिन आप तो दे दीजिए। गृह मंत्री जनगणना के फेवर में है या नहीं? जातीय जनगणना कराएंगे कि नहीं कराएंगे? संविधान पढ़ रहे थे, AIMIM का पढ़ना भूल गए। अच्छा देखिए, आपकी पार्टी का संविधान भी मैंने अपडेट किया। योगी जी कुछ तो तारीफ करिए, जातिगत सर्वे कराएंगे कि नहीं कराएंगे? योगी जी से बड़ा डर लगता है, इनको लगता है योगी जी का बुलडोजर कहीं रजाकारों को ना दबा दे। अच्छा है, पूरा देश आपको देख रहा हूँ, सब हंस रहे हैं आपके ऊपर जी जी जी, सब हंस रहे हैं आपके ऊपर जी। इतना मजबूर प्रवक्ता भाई भैया जी आप तो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। देखिए औरों का संविधान तो आपने देखा, लेकिन RSS किस चीज के लिए स्टैंड करता है, संघ परिवार किसके लिए स्टैंड करता है, क्या डिविजिव पॉलिसी है, 5 से 6 हजार पुरानी संस्कृति, हर मस्जिद को कुरेद कुरेद के तोड़ना और पता करना और खड़ा करना माइनॉरिटीज को, इसको कौन रिप्रेजेंट करता है, इस हेट्रेड के लिए कौन सी पार्टी रिस्पॉन्सिबल है कि आज देश के अंदर लोग एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर रहे, इसके बारे में भी तो सोचिए ना गौरव जी, कि भाजपा ने आज देश के अंदर अलग अलग एक्टिविटीज करके क्या हाल कर दिया। आप देश की बात कर रहे हैं, आपके अलायंस में एक दूसरे पे कोई भरोसा नहीं कर रहा। किसी अन्य पार्टी का संविधान चैलेंज कर रहे थे, हाँ तो मैंने इनको आईना दिखाया पहले कि खुद का आईना देखो, संघ परिवार कर क्या रहा है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।